तो मुन्ना भाई 3 के लिए आपको अब वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे संजय दत्त जो कि मूवी के मेन हीरो हैं, उन्होंने पोस्टर को रिलीज कर दिया है मूवी के और लिखा है उसके नीचे कि आप सभी ने हमारे मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ज्यादा प्यार करा है, तो भैया हमारी जोड़ी फिर से आने वाली है पार्ट 3 लेकर। मैं और मेरा छोटा भाई अरशद, हम आपको मुन्ना भाई 3 मूवी में फिर से हंसाने आ रहे हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि मूवी इसी साल रिलीज हो जाएगी 2023 में, पर उन्होंने मूवी का नाम नहीं बताया। और तो और उन्होंने मूवी के डायरेक्टर का नाम भी रिवील कर दिया है, जिसका नाम है सिद्धार्थ सचदेव। मूवी का पार्ट 1 मुन्ना भाई MBBS 2003 में आई, जो कि भैया हमें सर्किट और मुन्ना की बहुत ही ज्यादा शानदार जोड़ी लगी। उसके बाद फिर भाई हमारे मूवी का पार्ट 2 आया लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में, जिसे ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद करा और उनकी ये जोड़ी बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो गई और दिलों में राज करने लगी। और अब हमारे दर्शकों की मांग है कि भैया मुन्ना भाई 3 लेकर आओ, और भैया ये ख्वाहिश उनकी पूरी होने वाली है इसी साल। मूवी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ पोस्टर जरूर दिखा दिया। तो भैया हम अगर पोस्टर पे गौर करें तो हमें दोनों के दोनों मुन्ना और सर्किट जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जेल के कपड़ों के साथ, और वो दोनों उदास भी लग रहे हैं। मतलब कि भैया कोई तो कांड करा ही है मुन्ना भाई 3 में उन्होंने, तभी तो भैया वो जेल के अंदर हैं। और जैसा कि हमने मुन्ना भाई पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा कि वो दोनों के दोनों छोटे मोटे चोर थे, लेकिन भैया एक सच्चा और अच्छा ईमानदार वाले चोर। मूवी की स्टोरी का मैं एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ, वो भी गारंटी के साथ, कि भैया आपको मुन्ना भाई पार्ट 3 में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भैया मुन्ना भाई पार्ट 1 पार्ट 2 मूवी हिट हो जाने के बाद हमारे संजय दत्त का बॉलीवुड करियर फिर से पटरी पर आया था, वरना फिर भैया हमारे संजय दत्त विलुप्त होते जा रहे थे। और हमारी हेरा फेरी 3 भैया काफी सालों बाद कमबैक हो रही है, और भैया उस मूवी पर शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह कॉमेडी की लाइन में ये मूवी भी मुन्ना भाई पार्ट 3 की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और तो और ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली है। तो भैया ये तो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक न्यूज है। वैसे आप लोगों ने क्या हेरा फेरी पार्ट 1 पार्ट 2 और भैया मुन्ना भाई पार्ट 1 पार्ट 2 देखी है, तो भैया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको रोज मिले।